दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोनॉर्म G44PR टैबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये दवा शरीर पर कैसे काम करती है, इसके डोज क्या हैं और इस टैबलेट का प्राइस कितना है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस टैबलेट के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं, तो इसको लूपिन लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 1000 mg और ग्लिमेम्पिराइड 4 mg होता है। अब हम लोग इस टैबलेट के फ़ायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोनॉर्म G44PR टैबलेट का मेनली यूज टाइप 2 मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लेवल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये दवा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर शरीर में डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है तो किडनी और आँखों का नुकसान हो सकता है, हाथ पैर सुन्न होने जैसी परेशानी हो सकती है। अब हम लोग इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस दवा से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स अगर बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उल्टी होना, मिचली होना, स्वाद का बदल जाना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना और डायरिया हो जाना। अब हम लोग जानते हैं कि यह दवा शरीर पर कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस दवा में 2 एंटी डायबिटिक दवा मिले होते हैं, पहला ग्लिमेम्पिराइड और दूसरा मेटफॉर्मिन। दोस्तों ग्लिमेम्पिराइड एक सेल्फीनिलोरिया है जो अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाकर ब्लड में ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, और मेटफॉर्मिन एक बिग्वानाइट है जो लीवर में ग्लूकोज के उत्पादन में कमी और देरी करता है, जिस वजह से हमारा शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। अब हम लोग इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और ये मरीज के शुगर के लेवल पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर शुगर का लेवल बढ़ा है तो इसे 2 टाइम भी दिया जा सकता है, और शुगर का लेवल कम है तो इसे 1 टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरली इसे भोजन या नाश्ता करने के बाद केवल सुबह नॉर्मल वाटर के साथ लिया जाता है। दोस्तों डायबिटीज़ के मरीजों को सही समय पर दवा खाने के साथ कंटिन्यू एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि उनके शुगर का लेवल जल्दी से कंट्रोल हो जाए, और उन्हें 1 से 2 महीने के अंतराल में अपने शुगर लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए। और अब हम लोग ग्लूकोनॉर्म G44PR टैबलेट के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 266 रुपये पर 15 टैबलेट है। इस टैबलेट को आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से खरीद सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।